नमस्कार मित्रों, मैंने कई बार ऐसी चर्चा की है कि किसी भी वेग को धारण करने से उसकी कई एक समस्याएं बन जाती हैं। तो आज मैं छींक के वेग को लेने वाला हूं, धीरे धीरे करके एक एक वेग को लेना प्रारंभ कर रहा हूं। तो ये छींक वेग जो होता है, ये रोकने का जो इसमें है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं पैदा करता है, इस बारे में चरक जी ने बताया है। ये है सूत्र स्थान 7वां अध्याय 16वें में बताया है उसके नुकसान, और 17वें में बताया है उसका उपचार। यदि ऐसा हुआ है तो उसका उपचार भी हम कर सकते हैं। पहली बात तो ऐसा काम करें कि उपचार की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इसका मतलब छींक आए तो छींको आराम दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो आप नहीं छींक रहे हो तो उसकी समस्याएं आएंगी, तो उसका निदान आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें बताया है मन्या स्तंभा शिरा शूला मर्दित धा विभेदको इंद्रियाणां च दौर्बल्यं क्षवथो स्याद् विदारणात्। मन्या स्तंभा, मन स्तंभ हो जाता है, माने मन्या स्तंभा कहते हैं कि जिसकी गर्दन जो होती है वो मुड़ती नहीं है, साइड में जो जिस किसी के कहते हैं कि हमारी गर्दन में अकड़न हो गई है, ये घूम नहीं रही है, ये समस्या यदि देता है तो इसको मन्या स्तंभा कहते हैं। और शिराशूला, शिर के दर्द को हम शिराशूल कहते हैं। तो ये सिरदर्द भी हो जाता है। अवर्दिता, अर्दित कहते हैं लकवा को, जिसको चेहरे पर लकवा मार जाता है, आधे चेहरे पर टेढ़ा, आधा चेहरा टेढ़ा हो जाता है, तो इसको कहते हैं अदिंत। तो इसको अदिंत कहते हैं। तो और अर्धाव भेद का, आधे सिर में दर्द होना तेजी से और इंद्रियों की कमजोरी हो जाना, आदि आदि ये होता है। किससे होता है? क्षवथो याद विधारणात्। क्षवथ कहते हैं छींक के, विधारण माने धारण कर लेने से हमारी ये समस्याएं आ जाती है। माने कि हमारे सिर में, गर्दन में अकड़न हो जानी, और सिर में, आधे सिर में दर्द रहना, कभी पूरे सिर में दर्द रहना। अदिंत कहते हैं आधे लकवा को मार जाना, आधे चेहरे में। इंद्रियां कमजोर हो जाना, माने नाक में सूंघने की क्षमता ना रहना, कान में सुनने की क्षमता ना रहना, ये धीरे धीरे कम हो जाना, ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब इसका जो अगले अध्याय में, इसका जो अगले श्लोक में जो उसका बताया गया, तो उसमें कुछ नहीं। अगर जो ये समस्याएँ आपको बन चुकी हैं तो इसके लिए सबसे पहले अभ्यंग बताया गया, तेलों का अभ्यंग माने मालिश करें। इससे ये छींक रोकने से क्या समस्या बताई उन्होंने बताया है कि इससे वात बिगड़ जाती है, वात बिगड़ने से समस्या बन जाएगी। तो वात का सबसे अच्छा उपचार है, सबसे बढ़िया बताया है जो चरक में, वो बताया मालिश करना, अभ्यंग करना, माने मालिश तेल मर्दन शरीर में करना, ये सबसे अच्छा उपचार है। स्वेदन, पसीना निकलना, और धूम्रपान का मतलब बीड़ी सिगरेट चरस गांजा पीना नहीं होता है, धूम्रपान का मतलब होता है कुछ औषधियों को जला करके उनका धुआं लिया जाता है, जिससे कि किन औषधियों को जलाकर धुआं लिया जाता है इसका आगे वर्णन करूंगा फिर अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उसको धूम्रपान भी लेना। नस्य कहते हैं नाक में घी या तेल डालना, ये सबसे बढ़िया उपचार होता है, ये नाक की कोई भी समस्या को तुरंत ठीक करने का सबसे अच्छा उपचार है। नस्य इसको जरूर करना चाहिए, नाक में घी डालना या तेल डालना, इसको नस्य बोलते हैं। नस्य का प्रयोग करें, वातनाशक चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, मेथी दाना जैसे है, और अर्जुन छाल के पाउडर का काढ़ा पीना, ये बहुत अच्छा होता है वातनाशक। और इन सभी से हमारा ये जो बात होता है वो सही हो जाता है, जिसके कारण हमारी ये समस्या से हम
छुटकारा पा सकते हैं और ये हमारे लिए सभी लाभकारी हैं। तो इसलिए ये चरक में आगे तो एक बताया गया है उद्गार वेग रोकने का। उद्गार माने कहते हैं उबासी आना, उबासी आने को रोकने के लिए जो उससे जो नुकसान होने वाले हैं इसके बारे में बताया गया, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, केवल आज छींक का ही वर्णन करूंगा। ये उद्गार का तो 18वें श्लोक में है, 19वें में उसका उपचार दिया गया है, तो इसलिए आज छींक के वेग को रोकने का कारण और निदान बताया। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।